हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 24 कैरेट किचन। तो आज हम बनाएंगे होल व्हीट ब्रेड और देखिए कितनी बढ़िया बनी है। तो इसको आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। 500 ग्राम ये मैंने होल व्हीट फ्लावर लिया है, 20 ग्राम फ्रेश ईस्ट है, 2 टेबलस्पून ऑयल, 20 ग्राम ही शुगर है, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है और 5 ग्राम सॉल्ट है। और पानी लिया है मैंने, गुनगुना गर्म पानी है जो नीडिंग के लिए। तो मैं एक बड़ा बर्तन ले लेती हूँ, इसमें डाल देती हूँ आटा। ये आटा जो अपन चपाती बनाते हैं वही है। इसमें डाल देती हूँ सॉल्ट, मिल्क पाउडर, शुगर, ऑयल और फ्रेश ईस्ट। इन सबको कर लेती हूँ हाथ से अच्छे से मिक्स। अब हमें इसका एक स्मूथ और एक गीला सा डो लगाना है, बिल्कुल जितना ढीला हो सके उतनी अपनी ब्रेड है वो बढ़िया बनेगी। जितना बढ़िया डो होगा, ग्लूटेन पाउडर, इम्प्रूवर अभी मेरे पास है नहीं, इम्प्रूवर ये सब मस्ट नहीं है। यदि आपके पास हो तो आप 1 ग्राम इम्प्रूवर डाल सकते हैं। अब मैं पानी का इस्तेमाल करते हुए, यदि आपका मेजरमेंट सही है तो आपको ब्रेड बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही बढ़िया ब्रेड बनके मार्केट से भी बढ़िया, क्योंकि अपन ने ये बिल्कुल ताजा बनाई है। पानी आप जितना चाहिए, क्योंकि आटा अलग अलग तरह का होता है, किसी में थोड़ा कम किसी में थोड़ा ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। मैं इसको हाथों की मदद से बिल्कुल स्मूथ करना है। पानी की जगह आप दूध से भी आटा लगा सकते हैं, दूध से आटा लगाओ तो आप मिल्क पाउडर है वो स्किप कर दें। अब हमें इसको पटक पटक के और यह हथेलियों की मदद से स्मूथ करना है। एक टेबल स्पून ऑयल हमें और चाहिए होगा, जो कि हमें ब्रशिंग के लिए डो पे लगाने के लिए। डो हमारा स्मूथ हो चुका है तो थोड़े से ऑयल की मदद से हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। आप इसकी स्मूथनेस देख सकते हैं। अब हम हमारे डो को एक बाउल में फर्मेंट होने के लिए अब हम इसको 1 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए ढककर छोड़ देते हैं। हमारा डो अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको करते हैं पंच डाउन। देख सकते हैं आप कितना जबरदस्त हमारा फर्मेंट हुआ है। अब हम सारा एक प्लेट में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा आटे की और तेल की मदद से हम इसको वापस स्मूथ कर लेते हैं।
तो इनको हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है ऑयल से। तो इनको हमने ग्रीस कर लिया है। डो को हमने टीन में डाल के इसको हम वापस ढक के छोड़ेंगे फर्मेंट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। तो डो हमारा फर्मेंट हो चुका है। अब हम इसको 200 डिग्री पे 20 मिनट के लिए बैक करने के लिए रख देते हैं। ओवन हमारा 5 मिनट पहले से प्री हीट किया हुआ है। हमारी ब्रेड है वो बेक हो चुकी है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अमेजिंग, कितनी जबरदस्त बेक हुई है। ये हमारे ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल 1 टेबलस्पून वाटर लिया है। बेक होने से क्या है, ब्रेड का ऊपरी पार्ट हार्ड हो जाता है, जब हम ये मिक्सचर लगा देंगे तो वो वापस बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और एक शाइन है वो भी आ जाएगी। ये हमें अच्छी तरह से लगाना है। अब हम हमारी ब्रेड को डीमोल्ड कर लेते हैं। चारों तरफ से बहुत अच्छी हमारी सिक्के तैयार है, तो अब हम इसको ठंडा होने के बाद में कट करेंगे। अभी हम इसको कूलिंग रैक पे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हमारी ब्रेड ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसको काट लेते हैं। देख सकते हैं कितनी बढ़िया ब्रेड हमारी बनकर तैयार हुई है। तो आप इसको अवश्य ट्राई करें और मेरे को बताएं आपकी ब्रेड कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।